तो हेलो दोस्तों, तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 15 बेब्लेडर्स और बेब्लेड स्पार्किंग के बारे में, टॉप 15 लेजेंडरी ब्लेडर्स के बारे में। और यार ये मतलब मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये मतलब इसके बाद मैं ये वीडियो के बाद कुछ दिनों तक वीडियो नहीं आएगी दोस्तों, जैसे क्योंकि मैं अभी पोकेमॉन्स के दुनिया के साथ इंटरव्यू में बिजी हूँ, सो दैट्स वाई। पर तब हमारा इंटरव्यू हो जाएगा तो उसके बाद मैं रोज़ इसके जब मैं इस जैसे मैं रोज़ डालता हूँ वैसे फिर से डालूँगा। तो यार प्लीज़ उस समय तक वीडियो नहीं आ पाएगी, पर कोलैब के बाद मैं फिर से डाल दूँगा। तो यार चलो बिना कोई वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ब्लेज इंट्रो लगा दे। हाँ फायर्स लगा था इंट्रो, रुक रुक रुक, पर मेरी बात सुन। नंबर 15 पे तो बोलेगा, नंबर 14 पे मैं बोलूँगा, ठीक है? हाँ भाई याद है, हाँ वैसे ही करेंगे। तो इंट्रो तो लगा, फिर ही तो वीडियो शुरू होगी। ठीक है फायर्स लगा था इंट्रो। तो गाइस वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करो और चैनल पे ना तो सब्सक्राइब करो। तो चलो मैं इंट्रो लगा के वीडियो को शुरू करता हूँ। और दोस्तों मैं जो ब्लेडर सबको बताने वाला हूँ वो सब बिल्कुल ऑफिशियली कन्फर्म्ड, और ये लिस्ट मैंने नहीं बनाई है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 15 पे आता है रेंटारो कियामा। तो रेंटारो अब तक रिवील हो चुका है, एपिसोड में भी आ चुका है। दोस्तों नंबर 14 पे अपनी जगह बनाता है डाइगो कुरेगामी में। दोस्तों डाइगो कुरेगामी में बिल्कुल ऑफिशियली कन्फर्म्ड है कि वो वापस आएगा और वो टॉप 15 पे लेजेंडरी ब्लेडर्स पे अपना जगह बनाता है। दोस्तों नंबर 13 पे अपनी जगह बनाता है वाकेमुरा सागी। दोस्तों मुझे नहीं पता कि वाकया डाइगो और रंटारो से ऊपर कैसे आ गया, शायद से इस सीजन में वाकया उन दोनों से ज़्यादा ताकतवर होगा और ये बिल्कुल ऑफिशियली कंफर्म है कि वो भी वापस आएगा। दोस्तों जो ब्लेडर नंबर 12 पे अपनी जगह बनाता है उसका नाम है साइलस, मेरा मतलब जैक द सनराइज। या जैक बिल्कुल ऑफिशियली कंफर्म है कि वो भी वापस आएगा और इस बार थोड़ा ज़्यादा ताकतवर होगा बिकॉज उसको फर्स्ट सीजन में बहुत कम दिखाया गया था और अब फिफ्थ सीजन में बहुत ताकतवर हो जाएगा। दोस्तों जो ब्लेडर नंबर 11 पे है उसका नाम है साइलस। साइलस बिल्कुल ऑफिशियली रिवील हो चुका है और ऑफिशियली आ भी गया है। दोस्तों जो ब्लेडर नंबर 10 में है उसका नाम है जेंडर शाकालेरा। यार मुझे नहीं पता है जेंडर जैक और साइलस से कैसे ताकतवर होगा बिकॉज साइलस ने सेकंड सीजन में जेंडर को बहुत बुरी तरह से हरा दिया था, पर इस बार जेंडर उससे ज़्यादा ताकतवर हो गया। और यार बेब्लेड बस्ट के मांगा में वो रिवील हो चुका है, बेब्लेड बस्ट पार्किंग के मांगा में और एनीमे में बिल्कुल वो रिवील होगा, एकदम ऑफिशियली कन्फर्म्ड है। तो दोस्तों जो ब्लेडर नंबर 9 पे अपनी जगह बनाता है उसका नाम है डेल्टा काने। और यार डेल्टा बस बेब्लेड बस जीटी में दिखाया गया है और स्पार्किंग में भी वो जरूर दिखाया जाएगा। और यार बार बार नहीं बोलूँगा तो ऑफिशियली कन्फर्म है बिकॉज मैं इसमें सब ब्लेडर्स ऑफिशियली कन्फर्म्ड है, सब ब्लेडर जो मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों जो ब्लेडर नंबर 8 पे अपनी जगह बनाता है उसका नाम है ग्वाइन। तो यार ड्रम और ग्वाइन का मैच आपको याद ही होगा, लाल बेब्लेड बस राइज का फाइनल मैच, और यार ग्वाइन इस सीजन में भी वापस आएगा। नंबर 8 पे अपनी जगह बनाता है, मतलब डेल्टा से भी ज़्यादा ताकतवर हो गया वो। तो जो ब्लेडर नंबर 7 पे अपनी जगह बनाता है वो है फी। तो यार फाय को भी, फाय बेब्लेड बस टर्बो का मेन विलन है और स्पार्किंग में भी वो है नंबर 7 पे। तो यार बहुत ताकतवर ब्लेडर और टम्बर टॉप 10 में आता है। तो यार इस बार शायद हमें फाय वर्सेस आइगर की मैच फिर से दिखाई जाए। तो यार जो ब्लेडर नंबर 6 पे उसका नाम है ड्रम करोयू। पर यार ड्रम करोयू एपिसोड 18 के प्रीव्यू में हमें दिखने को मिला है, बेब्लेड बस स्पार्किंग के एपिसोड 18 प्रीव्यू में, और वो वापस ऑफिशियली आ चुका है। दोस्तों जो ब्लेडर नंबर 5 पे है उसका नाम है लुई शिरोसागी। मुझे नहीं पता कि लुई फाय ड्रम इनसे कितनी ज़्यादा ताकतवर, क्योंकि अगर नौ टॉप 5 में आ गया तो यार इसमें वो बहुत ताकतवर होगा इस सीज़न में। और यार हमें लेन के साथ उसके मैच जिखाई गई थी और उसमें हार गया था, पर यार वापस अब देखना शायद से वो बहुत ताकतवर हो जाए। और यार लुई हमारी लिस्ट के नंबर 5 पोजिशन पर जगह बनाता है। दोस्तों नंबर 4 पे अपनी जगह बनाता है फ्री। तो यार मुझे नहीं पता कि यार फ्री इतना नीचे कैसे आ गया, और मुझे प्लीज़ अनसब्सक्राइब मत जाना कि यार तूने फ्री को क्यों रखा इतने नीचे, यार बहुत ताकतवर है, यार ऑफिशियली कंफर्म लिस्ट है ये, तो इसमें 4th में आता है। और यार मैं आपको बता दूं कि यार अलग अलग सीजन में अलग अलग ब्लेडर्स की पावर लेवल अलग होती है, सो फ्री इसमें थोड़ा कमज़ोर होगा, सो 4th नंबर पर आता है। तो जो ब्लेडर नंबर 3 पे उसका नाम है आइगर अकबाने। और मुझे नहीं पता कि आइगर फ्री से ऊपर कैसे आया। आइगर शायद इसमें मोस्ट पावरफुल ब्लेडर्स में एक है, टॉप 3 में आया है। तो यार आइगर लिस्ट का नंबर 3 पोजीशन पे जगह बनाता है। तो जो ब्लेडर नंबर 2 पे अपनी जगह बनाता है उसका नाम है शू कुरेनाय। मुझे नहीं पता कि शू फ्री, आइगर, ड्रम इन तीनों से इतना ताकतवर कैसे आया, शू 2nd नंबर पे अपनी जगह बनाया। दोस्तों इतना ताकतवर हो गया शू यार हाँ उसने लेन जैसे ब्लेडर्स को भी ट्रेनिंग दिया, दैट्स व्हाई बहुत ताकतवर हो गया, उसने बहुत अच्छी ट्रेनिंग की होगी, सो शू कुरेनाय हमारे जिस
का नंबर सेकंड पोजीशन पर जगह बनाता है। तो नंबर वन तो मतलब पूरे ऑडियंस ने गेस कर ही लिया होगा। हाँ, नंबर वन पे है वॉल्ट हॉय। वॉल्ट इस सीजन में सबसे ताकतवर ब्लेडर है क्योंकि अभी वर्ल्ड चैंपियन है और यार वो बहुत ताकतवर ब्लेडर है। तो यार वॉल्ट हॉय हमारी लिस्ट के नंबर फर्स्ट पोजीशन पर जगह बनाता है। तो यार वीडियो कैसी लगी? तो टॉप 10 बेब्लेडर्स मैं नहीं डालूंगा, टॉप 10 बेब्लेडर्स ऑफ एवोल्यूशन बिकॉज ऑफ पुराना टॉपिक हो गया है और उसके जगह मैंने ये डाला टॉप 15 लेजेंडरी ब्लेडर्स ऑफ स्पार्किंग। तो यार इससे काम चला लेना। सॉरी दोस्तों। तो यार आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो मैंने पहले ही बोला था लाइक और शेयर करो, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों गुड बाय।